नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले दो लाइन गौर कीजिएगा कि किसानों की पैर के धूल के जितनी औकात है तुम्हारी कि किसानों के पैर के धूल के जितनी औकात है तुम्हारी बाहर निकलोगे भितरामपुर चल जाओगे और मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ नहीं किया तो मरने के बाद नहीं मरने से पहले ही लावारिस जैसे फेंक दिए जाओगे। आइए देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जहाँ पे इंडियन भारतीय इस तरह का वर्ड आता है, हमारे देश का वर्ड आता है, वहाँ पे दो तरह के लोग जो है नॉर्मली पाए जाते हैं। पहला जो डेरी होता है उसको जाबाज बोलते हैं, वीर बोलते हैं। दूसरा कैटेगरी जो आता है वो है गधा बोलते हैं उसको, अल्पबुद्धि, मतिहीन, ढीले, बेकार, फालतू। और सिंपली मैं कौन सा वर्ड बोलना चाहता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे, इंग्लिश में फूल भाई। बाकी इसको आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में बता देना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये फैमिली वाला कंटेंट है। ओके, सारे बैठ के देख सकते हैं। प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो आप, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई, प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। प्लीज आप वीडियो देखिए, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर भी, साले तेरा वीडियो देखता कौन है बे। अब आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पबजी और कोरोना में कोई कंपैरिजन नहीं है, पबजी इधर है तो कोरोना इधर है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग पबजी को वायरस सोचते हैं। घूमते पाकिस्तान पबजी के ऊपर पाबंदी लगा रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कोरोना वायरस था, अब ये पबजी वायरस आ गया। उसके लिए मैंने ये लाइन बोला। अगर नहीं पता तो लास्ट वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है, जाके देख लो। एक्चुअली मैंने जो दो कैटेगरी बताया, एक तो है डेरिंग और दूसरा जो है गधा, फालतू, बेवकूफ, जो भी आप बोल सकते हो, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। एक्चुअली गधा, बेकार, बेवकूफ, मतिहीन, ढीला, अल्पबुद्धि, ये जो लोग होते हैं, इन लोगों को शौक होता है कि दूसरे के सामने ये अपने आप को हिम्मत वाला पेश करे। सच बताऊं तो ऐसे लोग पैदा नहीं होते, ऐसे लोग होते हैं प्रकट, ये प्रकट होते हैं। और इन लोगों को एक्चुअली डेरिंग की कढ़ाई में बिठा कर ऊपर से अल्पबुद्धि का तेल और नीचे से बेवकूफी का आग लगाया जाता है, तब जाके कहीं प्रकट होते हैं ऐसे लोग। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और मेरे हिसाब से समुन्दर की गहराई ना अपना आसान है, लेकिन ऐसे लोगों को समझाना नामुमकिन है। अब ये कैटेगरी मैंने क्यों चुना, चलिए देखते हैं। अब जब ये वायरस इंडिया में आया मार्च महीने में, गवर्नमेंट को लगा कि जैसे हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, पुलिस, आर्मी और जितने भी ट्रैफिक पुलिस, जितने भी म्यूनसिपलिटी के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो लोग जिस तरह से इससे लड़ रहे थे बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, तो उन लोगों को संबोधन करने के लिए, उन लोगों को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने, पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि शाम को 5 बजे 22 मार्च को हम एक उनको संबोधन करेंगे, अपने घर के सामने निकल के हम इधर घंटी बजाएंगे या फिर तालियां बजाएंगे। वो दिन आप लोगों को याद ही होगा, शायद आपने भी कुछ कांड किया होगा। देखते रहो इस वीडियो में, कहीं आप ना आ जाओ। अब इसमें महान लोग जो है हमारे, जिनको मैं सेकंड कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, जो कि होते हैं बेवकूफ, ढीले, अल्पबुद्धि, मतिहीन, उन लोगों ने क्या किया वो देखिए। इन बच्चों के इन हरकतों से किसी को संबोधन हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन किसी के मम्मी पापा ने किसी का ना किसी का सर हाथ तो फोड़ा ही होगा। क्रिएटिविटी देख रहे हो? और हाँ, शेयर करके इस क्रिएटिविटी को दुनिया भर में फैलाओ फटाफट। आंटी, मोदी जी ने हमारे देश के रक्षकों को मोटिवेट करने के लिए बोला था, इससे तो कोरोना भी मोटिवेट हो जाएगा। ऊपर से आपके हाथ में पता है आईफोन एक्स XR आपने कुछ पकड़ा है। आईफोन यूजर्स हो जाने से दिमाग नहीं आता, बुद्धि की जरूरत फिर भी पड़ती है।
सबसे पहले आते हैं पैशनेट लोग, फिर आते हैं बहुत पैशनेट लोग, और उसके बाद आते हैं ये। बंदे का पैशन देख रहे हो, अपने आप को सब दादा सोचता है जब तक रियल दादा नहीं आता है। देखो आंटी का थाली पीटना देख के 15-20% कोरोना अपना रास्ता ऐसे घूम के भाग गया होगा, यू टर्न। कुछ लोग तो कुछ और ही बजा रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसे बात निकल रहा है, बट हाँ थाली बजाना तो सबको ही थाली बजा रहे थे, लेकिन भाई देखो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर ताली बजा करके थाली बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। अब मोदी जी ने कहा कि घर में ही रहें, ओके, घर के बालकनी में आके आप उनको संबोधन करें, लेकिन अब ये सारे जो हमारे हैं फाइटर, कोरोना के जो फाइटर हैं, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, पुलिस, अब ये उन लोगों को संबोधन कर रहे थे या मजे ले रहे थे पता नहीं, बट हमें बहुत मजा आया। पूरे देश के बदले इन्होंने ही घंटी बजा दी। अब इनको मैं जो दोनों कैटेगरी बताया, अब इनको मैं कौन से कैटेगरी में रखूं, ये आप ही बता दो कमेंट में। उसके बाद मोदी जी ने एक दिन के बाद ही अनाउंस किया लॉकडाउन। इसे सुन के सारे लोग बहुत खुश थे, सब सोच रहे थे घर में बिताने के लिए बहुत समय मिलेगा, फैमिली को देने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन वहीं कुछ बेवकूफ, मंदबुद्धि, अल्पबुद्धि, मतिहीन लोग घर के बाहर घूम के पुलिस से मसाज करवा रहे थे। ऐसे लोग अपने आप को डेयरिंग बोलते हैं, और मेरे हिसाब से इनसे और ऐसे लोगों को पुलिस देखने के बाद उनका दिमाग चलने से पहले हाथ चलना जायज है। अब इतना मेहनत भागने में एक लड़का लव मैरिज में नहीं करता जितना ये पुलिस से भागने में किया है। इनको देख के दो लाइन मेरे दिमाग में आया है, अर्ज किया है, घर से निकलने को डेयरिंग समझ बैठे हो, अर्ज किया है घर से निकलने को डेयरिंग समझ बैठे हो, पुलिस के प्यार के बाद मंदबुद्धि, अल्पबुद्धि, मतिहीन जैसे शब्दों के तुम लायक बन गए हो। ये बस कुछ लोग थे जिन लोगों को मैंने सेकंड कैटेगरी में डाला। अब मैं उस ग्रह की बात करूंगा जहां सिर्फ और सिर्फ गधे, अल्पबुद्धि, मतिहीन, मंदबुद्धि लोग ही पाए जाते हैं। वहां पे फर्स्ट कैटेगरी का कोई लेना देना ही नहीं है। डेयरिंग, वीरता, जांबाज, इस तरह के कैटेगरी का वर्ड वहाँ पे आता ही नहीं है, नहीं था। और उस ग्रह का नाम आपको पता ही होगा, टिकटॉक। कुछ वाणी इनकी भी सुनिए। सलाम वालेकुम फानू भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। अरे फानू भाई हाथ मत मिलाओ। क्यों भाई? आपको नहीं पता क्या? डॉक्टर बोल रहा है हाथ मिलाने से कोरोना हो रहा है। अच्छा भाई? हाँ भाई। लेकिन हमारा इस्लाम तो सिखाता है कि हाथ मिलाने से मोहब्बत बढ़ती ना कि कोरोना। ये फटे हुए दूध के पनीर नहीं है, फटे हुए चड्डी के वो फटीचर है जिनको कोरोना से डर नहीं लगता। और इन्हीं प्राणियों के लिए, इन्हीं प्राणियों के चक्कर में आज कोरोना अपना प्रकोप दिखा रहा है, समझ रहे हो? कोरोना हमारे कुरान से निकला है। कोरोना माने कुरान। कोरोना हमारे कुरान से निकला है। कोरोना माने कुरान। आंटी आप बोल क्या रहे हो, आपको समझ आ रहा है? अब इन आंटी को देख के चाइना का प्रधानमंत्री श्री जिनपिंग
वो भी बोल रहा होगा थैंक यू। क्यों खाली फोकट में कुरान का नाम बेइज्जत कर रहे हो? ये आपके जैसे विचार रखने वाले जो लोग हैं उन्हीं के चक्कर में कोरोना आया है। मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, कोरोना वायरस जो एक खतरनाक बीमारी समझा जाता है, और ये है भी खतरनाक, लेकिन खतरनाक किस लिहाज से है? खतरनाक किस लिहाज से है कि दूसरे को लगने में ये बहुत जल्द लग जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये एकदम सही बात बोल रहा है, राइट? बीमारी का इलाज बहुत आसान है, और जोड़ा अफीम पोस जिसको कहा जाता है, उसका दो दाने कावे में डालकर के पीने से फौरन कोरोना गायब हो जाता है। और ये कोरोना कोई नया बीमारी नहीं है। हमारा इलाके में ये कोरोना हर साल सर्दियों के मौसम में आता है और कमजोर। ये चाचा खुद चरस फूंक के आए हैं और ज्ञान कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और अब दूसरे चाचा ने तो ऐसा कहानी सुनाया, तो इसको सुन के कोरोना भी बोलेगा वह झोपड़ी वाले वह। कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उसे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा मैं हूँ कोरोना वायरस। उसने कहा जहाँ चीन के अंदर वाहन के अंदर जहाँ से शुरू हुआ, वहाँ तीन चीनियों ने एक आयशा नामी औरत से रेप किया, ज्यादती की। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया, तीन बंदे तो वही पड़ गए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। हाय कासों मत, तो हम सबको भी कोरोना वायरस हो जाएगा। अरे भाई ये कोरोना वायरस अब कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एनआरसी है। अब अल्लाह जिसे चाहेगा उसे दुनिया में रखेगा, जिसे चाहेगा उसे अपने पास बुला लेगा। अल्लाह से डर। ऐसा चमन लंडूरा ये अकेला नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे चमन लंडूरे आपको मिल जाएंगे मार्केट में, देखिए। अल्लाह ताला हमारा बहुत बड़ा है, गफुरुर रहीम है, उसने कोरोना वायरस को भेज दिया है इसलिए कि जो हम लोगों पे जुल्म ढा रहा है ना, उसी को अल्लाह ताला बुलाएगा। अब तो ये वो फैसला करेगा कौन रहेगा और कौन जाएगा। अरे भाई क्या पी रहा है? भाई पानी पी रहा हूँ, ला मुझे पिला। अरे झूठा झूठा पानी पी रहा है, इसको कोरोना वायरस है। हर मोमिन मुसलमान भाइयों का झूठा खाने से या पीने से शिफा मिलती है, ना ही कोई वायरस। अब दूसरा जो भकलोल है उसको देखने से पहले, जिस प्लेट में कुत्ते खाते हैं सबसे पहले उसका जुगाड़ कर लो, फिर बैठो। ओके, अगर पांच वक्त नमाज पढ़ने वाले बंदे को कोरोना वायरस हो जाए ना, तो जिस थाली में कुत्ता खाए उसमें खिलवा देना। और मेरे हिसाब से ऐसे जो गधे हैं, ये जो भकलोल और चमन लंडूरे हैं, इन लोगों को चार पांच कोरोना वायरस पेशेंट को एक रूम में डाल के, इनको भी उन्हीं में उसी में डाल के सालों को बंद करके रख देना चाहिए, तभी समझ में आएगा इनको। सच बताऊं तो जो घर बैठा है ओके, वही सबसे बड़ा डेयरिंग है, क्योंकि उसके पास पेशेंस है, उसके पास हिम्मत है कि वो घर में बैठ सके, खुद को और अपने घर वालों को सेफ रख सके। लेकिन ये जो अपने आप को डेयरिंग समझता है, वो रियल में गधा, अल्पबुद्धि, मतिहीन, मंदबुद्धि, ढीले, इस तरह के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इस पहले लॉकडाउन के बाद जैसे ही लोगों ने सेकंड लॉकडाउन के बारे में सुना, लोग पागल हो गए, बौखला गए, और अब तक बौखला रहे हैं, और बिना कोई प्रोटेक्शन के, बिना कोई प्रिकॉशन के घर से बाहर भी निकल रहे हैं। अब इनको डेयरिंग बोले या गधा, बेकार, फालतू, बेवकूफ, आप डिसाइड कीजिए। अगर आप भी उसी सेकंड वाले कैटेगरी में आते हैं तो आप भी वही प्रिकॉशंस लीजिए जो कि WHO और हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है। आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देख लीजिए, मिल जाएगा सब कुछ। वरना कोरोना होने के बाद फैमिली आपसे मिल नहीं सकती, और आप कोरोना के वार्ड में जाओगे वहाँ पे कोई मिलने भी नहीं आ सकता, और मरने के बाद लावारिस के जैसे फेंक दिए जाओगे किसी डंप यार्ड में। फिर कितना डेयरिंग है दिखाते रहना, बनते रहना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, खत्म।